लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट रोग दोनों ही फफूंद जनित रोग होते हैं, जो देखते ही देखते पूरे फसलों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ऐसे में वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाकर अपने धान की फसल को लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट रोग से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन रोगों के लक्षण एवं रोकथाम के उपायों के बारे में। लीफ ब्लास्ट रोग या पत्ती झुलसा रोग। लीफ ब्लास्ट रोग को कई किसान पत्ती झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं। लक्षण, इस रोग में पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद या सलेटी रंग के नाव के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके किनारे लाल या भूरे रंग के होते हैं। नियंत्रण के लिए कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% का छिड़काव करें। नेक ब्लास्ट रोग गर्दन तोड़ रोग के नाम से भी प्रचलित है। लक्षण, फसल की गांठ गहरे भूरे रंग में बदलने लगती है। नियंत्रण के लिए कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% का छिड़काव करें।